बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सेवा करो संयन की ये मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। तो सुंदर साथ जी अभी जा भी रहे हैं और यहाँ भी सेवा 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 के बिना तो पाया ही नहीं जा सकता। चाहे छोटी हो सेवा, छोटी बड़ी होती नहीं है। चाहे ये सेवा हमें लग रहा हो कि ये छोटी है, चाहे बड़ी उससे भी बड़ी, तो सेवा सेवा होती है। सुंदर साथ जी किस प्रकार श्री मेहराज ठाकुर जी इंद्रावती की आत्म सुंदर साथ जी जिस तन में बैठी हुई हो, जिनको अक्षरातीत की शोभा मिलने वाली हो, कैसे सेवा से उच्छृंग उनके हृदय में कैसी उमंग आ रही है कि मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करके अपने पास ही बिठा लूं, उनको माया का कमाने भी ना जाना पड़े। कितनी उमंग उनके हृदय में है कि कैसे इनके अंदर चर्चा चितवन मैं डाल दूं किसी तरह और इनकी जागनी हो जाए। इतनी उमंग उनके हृदय में है। किस प्रकार ये प्रसंग आगे बढ़ता है ये हम अभी श्री बीतक साहब में सुनेंगे और सेवा को अपने हृदय में रूट्स तक सुंदर साथ जी अंदर तक उसको उतारेंगे। आइए इनके पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की तरफ। पता है कौन करने आ रहे हैं आज वाणी गायन? जिनकी वाणी गायन में आवाज नहीं सुनी वैसे आवाज उनकी बहुत मीठी है। तो सबसे पहले चलते हैं झरना जी की तरफ। प्रेम का झरना बहेगा और उसके बाद चित्रा जी रेडी रहेंगे और आज अर्जी के लिए जोगिंदर भैया। प्रणाम जी। हाँ जी झरना जी आपके चरणों सभी में प्रणाम। सुंदर साहब जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी बहुत मीठी आ रही है। सुंदर साहब जी, मैंने कभी वाणी गायन किया तो नहीं है, ये मेरा प्रथम प्रयास है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोनिया दीदी की एप्रिशिएशन से ही है, क्योंकि मुझे आता तो नहीं है और मेरे जैसे मुझे लगता है बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जिनका शायद राग अच्छा ना हो, लेकिन यहाँ पे इस मीटिंग में इतने प्यार से इतने प्रेम से सबको बुला करके वाणी गायन के लिए उनके भाव को देखा जाता है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं ये प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों बरनो सूरत अब लो कही ना कहीं, ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन क्यों वर्णों सूरत अब लो कही ना कहीं, बरनन आशिक करी ना सके अरे, कोई पहुँचे ना आशिक बिन, बरनन आशिक करी ना सके अरे, कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़ तन क्यों बरनो हक सूरत अब लो कही ना
इन मीनों में बसते हक इश्क आग छोरावर, इन मीनों में बसते आग असल जिनों वतनी आवे, आग असल जिनों वतनी आवे, आठों चामल मोस क्यों बजनों हक सूरत, अब लो कहीं ना कहीं आशिक अरवा कहा वही तिन मुख विरहाना निकसत, आशिक अरवा मुख विरहाना निकसत, जब दिन विरहा जानिया, जब दिन विरहा जानिया, तब आहंग चिर चलत सूरत, अब लो कहीं ना कहीं ये छोटी देह क्यों रहे, ये छोटी देह क्यों रहे, सुनते वर्णन क्यों वर्णों हक सूरत, अब लो कहीं ना कहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पता ही नहीं लगा समय का, कुछ पता ही नहीं लगा कैसे ऐसे क्षण होने चाहिए सुंदर साहब जी, ऐसे क्षण होने चाहिए जब धनी को याद करें और पता ही ना लगे कि इतना समय हो गया, बाद में देखें कि अच्छा इतने घंटे हम बैठ गए थे। अति सुंदर अति मीठा, जब सोचिए समय का पता ना लगे तो वो कितनी मिठास हो सकती है। जब एक सेवादार सुंदर साथ गाता है ना सुंदर साथ जी, उसका रंग उसका रस ही कुछ और होता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। यदि ये पहली बार है तो ये अंतिम बार नहीं होना चाहिए, ये शुरुआत होनी चाहिए। आप बहुत मीठा गाते हो जरना, एक और वाणी गायन जरूर तैयार करके रख लीजिएगा। प्रणाम जी प्रणाम। मैं किसी काबिल तो नहीं दीदी, बस आपका ही ये प्रेम है जो आप इतना बोलते हैं। मैं कोई काबिल नहीं, मैं प्रयास जरूर करूंगी जरूर। बिल्कुल, बहुत मीठा गाया है आपने सुंदर साथ जी के, बहुत सारा प्यार जरूर समेट लीजिएगा अपने अंक में। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आइए एक और बड़ी प्यारी बड़ी मीठी रू चित्रा जी से भी अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत मीठा गाया आपने झरना दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कुछ दिन से हम सिंधी वाणी मंथन में अपने अर्श के नूरी बागों में नूरी वर्षा का रसपान कर रहे हैं, तो एक परिक्रमा ग्रंथ से वाणी गायन ले रही हूँ इसी को लेके। हक हादी रूहे चांदनी बैठक, हक हादी रूहे चांदनी
चांदनी बैठत ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार, मोर बांदर दादुर को किला, मोर बांदर दादुर को किला, सुख दे करे टहुकार, सुख दे करे टहुकार, हक हादी रूही चांदनी बैठत, जो कोई जहां बसत है सो तहां से आवत, जो कोई जहां बसत है सो तहां से आवत, समय सिर दीदार को, समय सिर दीदार को, कोई नहीं चूकत, कोई नहीं चूकत, हक हादी रूही चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार, किस्सा इनों के इश्क का, किस्सा इनों के इश्क का, इन मुख कयो न जाए, किस्सा इनों के इश्क का, इन मुख कयो न जाए, दीदार न होवे वक्त पर, दीदार न होवे वक्त पर, तो जानो अरवादे उड़ाए, जानो अरवादे उड़ाए, हक हादी रूही चांदनी बैठत, खावंद इनो में खेल ही, खावंद इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाग, खावंद इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों का, अर्श के जानवरों का, कायम है सुहाग, कायम है सुहाग, हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हमारे इत बैठ के, हक हमारे इत बैठ के, कई विध करे मनुहार, हक हमारे इत बैठ के, कई विध करे मनुहार, कई पशु पंखी अर्श के, कई पशु पंखी अर्श के, इत सुख देत अपार, सुख देत अपार, हक हादी रूही चांदनी बैठत, कई बांदर बाजे बजावही, कई बांदर बाजे बजावही, आगू अरस के नाचत, कई बांदर बाजे बजावही, आगू अरस के नाचत,
ए सुख मारे कहाँ गए, ए सुख मारे कहाँ गए, हम देख दिख राचत, हम देख दिख राचत, हक हादी रूहे चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार, मोर बांदर दादुर को किला, मोर बांदर दादुर को किला, सुख देत कर टहुकार, सुख देत कर टहुकार, हक हादी रूहे चांदनी बैठत। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, कितना प्यारा, सारे पशु पंखियों का वर्णन, कैसे वो धनी को रिझाते हैं, कैसे टहु टहु कार वो करते हैं, अति सुंदर, अति प्यारा, बिल्कुल मैच करके प्रसंग के साथ, बहुत सुंदर, मीठा गायन, मीठी रू, मीठी वाणी, मीठे पे मीठा, और क्या चाहिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर प्रणाम जी। और मुझे बहुत खुशी है कि दूर देश नहीं पर दूर प्रदेश में रहते हुए ये सुंदर साथ जी, जिनके पास बहुत ज्यादा सुंदर साथ नहीं होते, वो उनको जो अंदर वो होती है ना, प्यास होती है ना सुंदर साथ जी, उनकी वाणी में झलकती है, वो तो नहीं मिल पाते पर जूम पे गाना शुरू किया और अब इतना प्यारा प्यारा आप सब सुंदर साथ गाकर रिझा रहे हैं ना, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब पे, कौन सा सेवा का अति सुंदर प्रसंग चल रहा है। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे है साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। थोड़े दिन के लिए हमारे कारखाने के सुंदर साथ कहीं जा रहे हैं, तो कृपया शीतल जी और मीनाक्षी जी रिमाइंडर कारखाने की सेवा संभालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ सुंदर साथ जी, थैंक यू। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावें और। कहते हैं बिहारी जी की चर्चा सुनने के पश्चात, क्योंकि वहां तो सुंदर साथ जी का मन लगता नहीं है, चित्त लगता नहीं है, तो एकांत स्थान पर जाकर आत्मा की वो खुराक, कहीं आत्मा भूखी ना रह जाए, जो लेना चाहते हैं उस रस को कहीं रह ना जाए, तो एकांत स्थान पे जाके उन सुंदर साथ को वो रस पिलाते हैं, परम धाम की चर्चा उनको सुनाते हैं, जिनमें युगल स्वरूप और सुंदर साथ के अलावा और कोई बात नहीं होती। सुंदर साथ जी पिया की बातें होती हैं, उसको कहते हैं चर्चा, इधर उधर की बातों को चर्चा नहीं कहते हैं। यो नित्याने चर्चा करते, खुली नित्य चर्चा होगी तो क्या होगा सुंदर साथ जी, खुली आंकड़ी अंतर जामी, सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। कितने सुंदर शब्द चुन चुन कर राज जी ने हमारे लिए भेजे हैं सुंदर साथ जी, इससे सुंदर शब्द क्या इस संसार में कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो हम आपस में
मित्रों से, रिश्तेदारों से कोई बात करें, इनसे प्यारी कोई बात और हो सकती है? कहते हैं रोज चर्चा करते करते क्या होने लग गया, मिहिरराज जी की अंतर्दृष्टि जागृत होने लग गई, खुली आंकड़ी अंतर जामी, सब आई दिल में और अंदर ही अंदर गुत्थियां खुलने लग गई, कुछ भेद, अभी तारतम वाणी उतरी नहीं है सुंदर साथ जी, अभी कुछ कुछ प्रकरण उतरते जा रहे हैं, पर अभी उनको अंदर से पूरा पता नहीं है कि आवेश स्वरूप किस प्रकार मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, पर वो गुत्थियां, वो गुज रहस्य जो सुंदर साथ जी ने आज तक श्री देव चंद्र, धनी श्री देव चंद्र जी के मुख से भी नहीं सुने थे, इस प्रकार की बातें उनके मुख से निकलने लग गई सुंदर साथ जी, उनके हृदय में खुशबुए आने लग गई, कौन सी, इस्लामी, यानी के परम धाम की जो अखंड, इस्लाम शांति होता है सुंदर साथ जी, परम धाम में जो अखंड शांति है ना, उसकी खुशबुए उनके अंदर, खुशबू उनके अंदर इस प्रकार फैलने लगे कि उसकी सुगंधी सुंदर साथ तक भी आने लगे, चंदन के पेड़ से तो कहते हैं सर्प भी लिपट जाए ना तो उसको भी चंदन की खुशबू आ जाती है, दुश्मनों को भी आ जाती है, सर्प भुजंग जैसे जानवर को भी आ जाती है जो काटता है, तो सोचिए मोमिनों को कैसी खुशबू, चंदन के पेड़ पे हाथ लगा लो, उसके पास भी चले जाओ, उसको छुओ भी ना, तब भी आपके अंग अंग में उसकी खुशबू समाने लग जाती है, तो सोचिए उनके अंदर जो खुशबू आ रही है, जो सुंदर साथ उनका संग करेंगे, उनको कैसे नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें भी लिपटना किससे है सुंदर साथ जी, जहां से अपने पिया जी से, अपने मूल स्वरूप आवेश स्वरूप से लिपटना है, जहां से उनकी वाणी, जहां से भी सुंदर साथ जी, कूप मंडूक नहीं बनना है हम सुंदर साथ ने कि हम यहीं पर बस ऐसे ही जुड़े रहेंगे, जहां से भी उनकी वाणी मिल रही हो ना, उनको उस खुशबू को पकड़ लीजिए, उसको जाने ना दीजिए केवल तन केवल जीव को देख के कि ये कह रहा है तो इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुंदर साथ जी, नुकसान किसी का नहीं होगा, हानि किसकी है, हानि हमारी होगी, तो कहते हैं अंतर्जामी का यहाँ पे क्या अर्थ है, अंतर दृष्टि का जागृत होने लगना, जागृत होते जाना, हम तो हैं धाम के, जैसे जैसे अंदर ये ईमान पक्का हो जाता है ना सुंदर साहब जी, रोज रोज कह के, रोज रोज सुन के, बार बार पुनरावृत्ति उसकी कर करके, रिपीट कर करके, यहाँ के टेबल्स, टाइम्स टेबल्स, हमारे हमारी ना एक मैथ्स की लेक्चरर थी एचएमवी कॉलेज में, वो कहा करती थी, कभी कोई कहता था ना मैं बीमार था इसलिए मुझे याद नहीं रहा, कहते हैं कोई डेथ बेड पे भी पड़ा हो ना, उससे कोई पूछे ना दो गुना दो क्या होता है, वो चार ही बोलेगा, तुम तो जरा से बीमार थे, भूल कैसे सकते हो, इसका मतलब तुमको आता ही नहीं था, ये कहो कि मैंने किया ही नहीं, मुझे आता नहीं था, ये कोई बहाना नहीं है, कहते मरने की शैया पे भी पड़ाओ तो दो गुना दो तीन या पांच नहीं बोलेगा, चार ही बोलेगा, क्योंकि दिल में बस गया उसके, ये इतना रिपीट किया उसने उस बात को पूरी लाइफ में कि कोई निकाल नहीं सकता, ये यहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी, यहाँ की पढ़ाई की बात हो रही है, ये सोचिए रोज रोज हम सोचते हैं, रोज बैठते हैं यहाँ पे, पर पता ही नहीं कि ये जो वाणी रूपी चंदन का वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, ये कैसे अपनी खुशबुए हमें देते जा रहा है हमें अभी पता नहीं है, रोज रोज कह के, रोज रोज सुन के, कैसे रेपिटिशन उसकी होती जा रही है, और अंदर ही अंदर ईमान का ये जो दरख्त है ना, ईमान का ये जो वृक्ष है ना, जड़ें पक्की करता जा रहा है, अंदर ही अंदर जड़ें फैलाते हुए हमारे ईमान को ये वाणी पक्का करती जा रही है कि एक तू है, तेरे सिवा और कोई नहीं, मैं तेरे पे ही समर्पित हूँ, देखिएगा अपनी स्थिति को कंपेयर कीजिएगा थोड़े दिन पहले से और अभी से, मैं स्वयं की बात कर रही हूँ सुंदर साहब जी, वाणी को बार बार कहने से, बार बार सुनने से पता नहीं लगता जड़ें कितनी गहरी, इतनी गहरी पहुंच गई कि विरहा को टच कर लिया उन्होंने, वहां तक जड़ें जाना जरूरी है, जैसे ही इस वृक्ष की जड़ें, ईमान रूपी वृक्ष की जड़ें, जैसे ही विरहा, बस डीप इनसाइड विरहा है सुंदर साहब जी, जैसे ही ये जड़ उसको टच हुई,
तो समझ लीजिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक ईमान वहां तक नहीं पहुंचता, पूर्ण समर्पण तक नहीं पहुंचता, इतना ईमान नहीं आ जाता कि हम पूर्णतया समर्पित हैं पिया कुछ भी हो जाए, तब तक विरहा ऐसे ही बैठा रहता, कुछ नहीं होता। ये ऐसे मानव जीवन हमारे निकले हैं, हमारा ईमान वहां तक पहुंच नहीं पाया। सुंदर साथ भी कहते हैं रोज रोज सुनकर कैसी सुगंध उनके अंदर कहकर आती जा रही है, मिहराज ठाकुर जी के अंदर कहकर और सुंदर साथ जी के अंदर सुनकर। हम तो हैं, कौन सी जड़ पक्की होती जा रही है अंदर, हम तो हैं धाम के, एक खेल नहीं रंचक। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से, हमें पल पल इसको अपने जीवन में उतारना है, ये खेल है ही नहीं, कुछ रंचक भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है जिसको हम इतना बड़ा करके बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी कुछ है ही नहीं ये खेल, हम धाम के हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं धाम से आई हूं और ये खेल तो ऐसे उड़ा देती है, रूह पर आत्म तो यहाँ आ नहीं सकती। सोचो आते ही खेल उड़ जाएगा, आत्मा बनानी पड़ी उसके लिए, प्रतिबिंब स्वरूप बनाना पड़ा कि आत्म के पर आत्म में सोचो हमारी में वो बल महसूस करना है। सुंदर साथ जी मैं हूं कौन, मेरी पर आत्म में अभी राजी श्यामा जी तो अभी बैठे हैं वहां पे, उन तक तो अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो मेरी पर आत्म में इतना बल है कि अर्श की, मेरी पर आत्म भी छोड़िए, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। सुंदर साहब जी 14 तबक क्या है ये खेल, 14 तबकों को मेरे अर्श की एक कंकरी उड़ा सकती है, तो इस खेल को हम इतनी बड़ा हिमालय पहाड़ क्यों बना के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, हम सहरग से नजीक। ये अपने दिल में ये चौपाई बस जानी चाहिए। सुंदर साथ जी मिहराज ठाकुर जी की, इंद्रावती जी की आत्म की जर्नी जहां से स्टार्ट हो रही है ना, हमारी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट होगी, इसीलिए ये चौपाइयां उन्होंने लिखी हैं। और एक बार नहीं, 4-5 चौपाइयों में आया ये, हम तो हैं धाम के, फॉर श्योर कर लीजिए अपने दिल में, एक खेल नहीं रंचक, कुछ भी नहीं है, हम सहरग से नजीक, मेरी सहरग से नजीक पिया बैठे, बैठे आगे हक, मूल मिलावे के चरणों में हम उनके बैठे हुए हैं, मूल मिलावे में पिया जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, और यहाँ सहरग से भी नजीक वो मेरे आके बैठ गया है। इतनी नजदीकी किसी चीज की हो ही नहीं सकती माया में, है ना। तो उस बात को यदि हम याद रख लेना, ये खेल कभी भारी नहीं हो पाएगा। सुंदर साथ जी एक खुशहाली दिल में, इस बात की कितना, कितनी अंदर खुशहाली, कितनी उमंग, कितनी खुशी है सुंदर साथ जी की, मैं धाम की हूं, इतने करोड़ों अरबों की जनसंख्या यहाँ पर है, पर कुछ एक बोलते हैं ना आटे में नमक बोलते हैं, जो बहुत कम हो ना, यहाँ पे कहते हैं आटे में नमक के बराबर है ये तो नमक भी नहीं है, इतनी कम संख्या में ब्रह्म सृष्टियां अरबों में, और उनमें मैं एक हूं। बार बार जीव तन जरूर बदल रही हूँ, पर पिया मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे, मेरी तरफ से कमियां जरूर हो रही हैं, पर निस्बत का संबंध मेरा है तेरे से। इस बात की खुशहाली कितनी होनी चाहिए हमारे दिल में भी, जो मिहराज ठाकुर जी के दिल में आ रही, उठत कई तरंग। सुंदर साथ जी एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, हमारे धाम नजदीक, मेरे नजदीक है वो धाम, किसी और के नहीं, केवल आत्माओं के, मेरे और मेरे सुंदर साथ के, इसमें तो मेरे सुंदर साथ जी मेरे पास पिया, सहरग से नजदीक मेरा उनसे निस्बत का संबंध, मेरा धाम, कितनी तरंगे, कितना हमें गर्व होना चाहिए सुंदर साथ जी की, मैं उनकी आत्मा, मैं उनकी परात्मा, मैं उनके हृदय का स्वरूप हूँ। इसी खुशी में ही बीत जाएगा सुंदर साथ जी वो विरहा की घड़ियां भी, वो प्रेम की घड़ियां, इस दावे में, इस हुज्जत में कि मैं तेरी हूं और तू मेरा है, मेरे से अलग नहीं हो सकते राजी आप, कुछ भी हो जाए, इतने सालों से मैं खांगड़ू बनी बैठी हूं, पर मेरे से आप अलग नहीं हो सकते, सहरग से भी नजीक आकर मेरे बैठे हुए, और हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धांग। सुंदर साथ जी अर्धांगिनी किसकी है हम, ऐसा जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं, इतने
अखंड अनंत खजाने, उनके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, जहां शब्द ना ऐसे हों, ऐसे ब्रह्मांड में वो मेरे लिए आ गए हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया पहली बार उन्होंने, क्योंकि मैं आई हूं यहाँ पे सुंदर साथी। हर सुंदर साथी ये सोचे मेरे पिया मेरे लिए हक सुभान की अर्धंग हूं मैं, अगर एक ये याद रख लेना कुछ नहीं छू पाएगा, आएगा भी। मैं दुखों की बात नहीं कर रही, अब उससे ऊपर उठ चुके हैं सुंदर साथ जी, मैं सुखों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि सुखों में हम दुखों से भी ज्यादा खो जाया करते हैं। मैंने ये बहुत गलतियां की हुई हैं सुंदर साथ जी, तो ना सुखों में बहिए ना दुखों में द्रवित होइए, हो ही नहीं सकते। जब ये बात दिल में चलती रहे ना, अरे तेरे साथ हो रहा है जीव, क्योंकि तू करके आया हुआ है पीछे, और मेरे राजी ने तुझे मुझे दिया, मैं तो आत्म हूं, मैं तो देखूंगी तू क्या क्या कर रहा है, और मेरे मुड़ने का समय अब आ गया है, क्योंकि मैं हक सुभान की अर्धंग हूं, और ए जीव तू भी लाभ लेना चाहता है ना ले ले, क्योंकि तेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैंने तो वो सुख परम धाम में जाकर ले ही लेने हैं, पर तेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ए जीव, इसको समझाइए सुंदर साथ जी, इससे बात कीजिए, कितना प्यारा ये जीव है, इस पे भी लाड आता है अब तो, जो पिया की वाणी में हर समय लगा रहता है। शाबाश है जीव, इतने सालों से तू धक्के खा रहा था, बहुत बहुत शाबाशी है तेरे को, जो तू पिया की वाणी की ओर लगने लग गया, चितवन में बैठने लग गया, अब वो दिन दूर नहीं है जब तुझको भी ये स्वाद चखने को जरूर मिल जाएगा। मैं तो हक सुभान की अर्धंग हूं, तुझे भी वो लज्जत मिल जाएगी जो और किसी जीव को नहीं मिलती है। बहुत कम जीव ऐसे हैं जो इतने सौभाग्यशाली हैं, जिन पे मेरी सखियां बैठी हैं। तो सुंदर साथ जी, कितना गौरवान्वित होना चाहिए हमें, साथ आगे खोलने, दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करें, खुशाल होए संयन। कहते सुंदर साथ के आगे उन गुज रहस्यों को खोलने में दिल कितना रोशन होता है, कितनी खुशी अंदर हो जाती है। और सुंदर साथ जी, ये तो फैक्ट है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन। सुंदर साथ के आगे जब वो गुज रहस्य खोले जाते हैं ना, तो दिल में वृद्धि ही वृद्धि होती जाती। स्वामी जी ने एग्जैक्टली लिखा, धाम धनी की कृपा से ही श्री मेहर राज जी के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, क्योंकि खुल किसके सामने रहे हैं, सुंदर साथ के सामने। जब वो आंकड़ियां खुलती है ना, तो पिया इतने रीझ जाते हैं सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर और रहस्यों पर से पर्दा उठाते जाते हैं, बहुत आनंद आता है। कहते त्यों चर्चा ज्यादा करें, फिर रहा ही नहीं जाता मिहिर राज जी से, कहते हैं और ज्यादा चर्चा, आज और ज्यादा, आज और ज्यादा। और सुंदर साथ को तो चाहिए प्रेम की, ज्ञान की, परम धाम की, धनी की, युगल स्वरूप की, उन बातों में उनको इतना आनंद आता है, क्योंकि मिली उसी तन से रही हैं सुंदर साथ जी, उन्हीं के अंदर जो आत्म बैठी है, जो पिया आकर बैठ गए हैं ना, अब तो चर्चा का रस ही अलग होने लग गया है। खुशाल होए संयन, पहले तो धनी श्री देवचंद्र जी की चर्चा की, आगे चर्चा किया करते थे, उसको रिपीट किया करते थे, शुरुआत वहीं से हुई थी सुंदर साथ जी, पर अब तो नई नई बातें उनके मुखार बिंद से सुनकर सुंदर साथ निहाल होता रहता है। खुशहाल हुए संयन, कहते हैं सुंदर साथ इतना खुश, इतना खुशहाल हो जाता है कि उनके आनंद में जितना उनके अंदर ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है ना, उतना सुंदर साथ के आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, यानी कि बढ़ते से बढ़ते से बढ़ता ही जा रहा है, जितना अंदर उनके बढ़ता जा रहा है, सुंदर साथ के आनंद में उतना ही बढ़ता जा रहा है, उसी रेशो में सुंदर साथ भी। कितनी प्यारी ये लीला होती होगी, पता नहीं हम तब कहाँ होंगे सुंदर साथ जी, उन्होंने बुलाया तो जरूर होगा, ऐसा हो नहीं सकता पिया जी ने बुलाया ना हो,
पर हम जरूर माया में तब फंसे होंगे, पर आज ये भूल नहीं करनी है हमने। बहुत वर्ष हो गए सुंदर साथ जी, सेवा करो संयन की। अब क्या है, सुंदर साथ इतने प्यार से वो वाणी चर्चा सुन रहा है, ऐसे लगता है कि वो प्रवाह ना रुके। ये जो देने वाला लेने वाला राजी दे रहे हैं, सुंदर साथ के अंदर बैठकर वही उपजा भी रहे हैं कि तुम सुनो और आनंद लो, पर माया के कार्यों में वापस जाना पड़ता है। सुंदर साथ को भी अपने घर परिवार संभालने पड़ते हैं, और इन्होंने तो वैसे ही अपना जीवन, आपको एक बात याद है ना सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था। देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी ने जब बुलावा भेजा था, बालबाई जी एंड में लास्ट जब बुलाने गई थी, तो वो सारा कार्यभार सौंप कर आ गए थे कि मेरे से नहीं होता, अब आपने जिसको देना है आप दे दीजिए, मैं तो पूरी ट्रेनिंग भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे बुलावा किसका आया है, मेरी आत्मा के मालिक का बुलावा आ गया, अब यहाँ का मालिक मैं नहीं देख सकता कि वो क्या कह रहा है। तो वो सारा कार्यभार सौंप कर वापिस आ गए थे, अब वो नौकरी नहीं कर रहे हैं इस समय, है ना। पर अब क्या हुआ देखिएगा, यहां से ये बात शुरू होती है, उनके मन में कौन सी उत्कंठा उत्पन्न हुई, सेवा करो संयन की। अब ये जाए ना, मेरे सुंदर साथ है ना, मेरे से दूर ना जाए, ऐसा लगता है कि इनको सारा दिन हम परम धाम की बातें, ऐसे माया काटने को दौड़ने लगती है सुंदर साथ जी, कि एक क्षण भी ऐसा ना हो कि मेरे सुंदर साथ मेरे से दूर चले जाएं और ये प्रवाह रुक जाए, पिया की बातों का प्रवाह ना रुके। हम खाना भी खा रहे हो, इकट्ठे बैठ के धनी का जिक्र कर रहे हो, हम आपस में बैठे हो, खड़े हो, आराम भी कर रहे हो, तो आपस में जो बातें हो रही है ना, यो वो पिया की बातें होती रहे, दूर ना जाए मेरा सुंदर साथ, उनको फिर शाम को आना भी मुश्किल होता है ऐसे भी, तो ये बीच की जो है ना थोड़ी देर के लिए मेरे पास ही रहे, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, धन की भी आवश्यकता होगी। ये मनोरथ उपजत, सेवा करो संयन की, ये मनोरथ उपजत कौन भांत कीजिए। अब मैं कैसे करूं, किस प्रकार से ये जो सेवा की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है, जो परम धाम में नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी, इनों की सेवा इत कहते यही इनकी सेवा हो सकती है इस काल माया में, किस तरह इनकी सेवा मैं कर दूं कि ये आनंदित रहें, मेरे पिया के हृदय के स्वरूप आनंदित रहें। तो सुंदर साथ जी हमें क्या सीखना है, हमें कौन सी सेवा करनी है कि मेरा सुंदर साथ आनंदित हो जाए, किसी तरह पिया ही आनंदित हो रहे हैं। बिलीव सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ की सेवा को, सुंदर साथ की सेवा तो वो है, पर उसके अंदर सटल सूक्ष्म रूप से क्या है, पिया की सेवा हो रही है वो, और वो भी साक्षात हो रही है, सामने खड़े हुए पिया, उनकी सेवा समझ के किया कीजिएगा। और यदि दिल दुखाया गया तो सुंदर साथ तो सामने तन खड़ा है लेके, जीव लगा हुआ है, दुखाया भी किसको जा रहा है वो भी ध्यान रखिएगा, सटल सूक्ष्म रूप से पिया बैठे हैं, एक ही सेवा उनकी हम यहाँ कर सकते हैं, बस केवल सुंदर साथ से प्यार कर सकते हैं, बस ये सेवा कि जब तुम में प्यार होता है ना, तब मोही को सुख होता है, जब ब्रोध होता है तो तुमको जो दुख होता है मुझे नहीं पता, तुम्हें तो खुशी होती है ये ब्रोध करके कि मैं बड़ा हो गया, मेरा अहम बच गया, पर दुख किसको होता है, मोही को दुख होता है कहते हैं। तो ये सुख पिया को एक दे सकते हैं, और कोई सुख हम उनको यहाँ दे नहीं सकते सुंदर साथ जी, इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में उहां ही खबरदार। अब ये गोविंद भेड़ा क्या होता है सुंदर साथ जी, उसके काम में कैसे, कहते हैं उनके अंदर सुंदर साथ की सेवा बंदगी, इन भांत बंदगी के, ये जो सेवा की बंदगी है ना, लगे करने विचार, तरह तरह के सेवा के विचार उठ रहे, मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं। आप एक सेवा के लिए, राज्य की वाणी के लिए कुछ सोचना शुरू होता है, वो भी धनी डालते हैं, तो वो विचार शुरू होता है ना, उसकी इतनी ब्रांचेस बन जाती है ना, जहां मन में एक विचार नहीं आया करता था, हजारों विचार आकर सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे सेवा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, बस वो विचार सच्चा होना चाहिए, सच्चे दिल से पिया के लिए हुक निकले तो धनी सामने आके खड़े हो जाते हैं,
सच्चे दिल से सेवा का विचार निकले ना, हजारों सेवाएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं। सुंदर साथ जी, कल ही एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी से बात हुई मेरी। उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहती हूँ, पर उन्होंने सेवा के लिए पूछा था तो क्या कहा गया, पहले आत्म जागृति हो जाए फिर सेवा कीजिएगा। तो सुंदर साथ जी कल से ही वो सेवा पे लग चुकी हैं और इतनी प्यारी सेवा करके उन्होंने सुबह भेज भी दी। अभी कल रात को बोला, अभी बोला वेट करो सुंदर साथ जी आ जाएंगे सरसावा से तब शुरू करेंगे। नहीं, उन्होंने रात को करके भेज भी दी वो सेवा। इतना अंदर दर्द है सुंदर साथ जी, इसके लिए वेट ना कीजिए। आत्म जागृति तो तब है जब पिया नजर आ जाएंगे। वो पता नहीं वो क्षण कौन सा राजी ने लिखा है, तब तक सेवा से दूर। सेवा ही तो उसको पक्का करती है, उनके दर्शनों को, उस मार्ग पर चलना, उस राह को आसान करती है। तो आसान बनाइए सब सुंदर साथ, जो प्यारी सेवा मिले, घर बैठे कुछ नहीं मिल रहा, चितवन में सुंदर साथ को प्रेम भेजना शुरू कर दीजिए। सुंदर साथ जी आज प्रेम की वाइब्रेशंस हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहते हैं इस लक्ष्य को पाना कैसे है, सावधानी पूर्वक, उहां ही खबरदार, सावधानी पूर्वक। लौकिक कार्य यानी माया का काम तो कोई ना कोई जॉब तो करनी पड़ेगी ना, इसके लिए मांगेंगे नहीं किसी से, वो किसी से नहीं मांगेंगे। गोविंद भेड़े के काम में, यानी कि ये जो माया का काम होता है ना, वो बोल रहे हैं गोविंद भेड़ा आएगा आगे जाके, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड आएगा सारा कुछ, ये किसको कहते हैं। इसलिए बीतक साहब के शब्दों में इनको हम सुनेंगे बाद में। कहते हैं सावधानी पूर्वक, ये सावधानी क्या है सुंदर साहब जी, खबरदार होकर कमाना क्या होता है। बहुत सुंदर यहाँ पे उन्होंने कहा, गोविंद भेड़े के काम में उहां ही खबरदार। माया का काम करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, घर के कार्य पूरे करने हैं, एवरीथिंग हमें करना है, पर खबरदार, खबरदार होकर करने हैं सुंदर साथ जी। ये कैसी खबरदारी है, ये वो खबरदारी है कि कहीं इसमें मैं उलझ तो नहीं गया, कहीं धन कमाने के लिए तो मैं नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरी तृष्णा अपनी इच्छाओं में उलझी हुई है इसलिए तो मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं सुंदर साथ जी, करना है करने के लिए करना है, क्योंकि पेट में खाना डालना यहाँ जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, रहना जरूरी है, उसके लिए करना है, पर मरना नहीं है कि और ज्यादा चाहे मेरा समय रूपी धन उसमें जाता चला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धन वापस नहीं आता, वो धन तो जीव के जो कर्म है ना उतने आना ही आना है, आप कुछ भी कर लीजिए ये भी कोई छीन नहीं सकता। हम कहते हैं ना आत्मा के हृदय में, श्री मुखवाणी कहती हैं, राज्जी की एक झलक अगर समा गई कोई छीन नहीं सकता, माया लाख जोर लगाए। हमारे जीव, हमारा जो कर्मा करके आया हुआ है, उसके जो लिखा हुआ है ना कोई छीन नहीं सकता सुंदर साहब जी, उसको भी कोई छीन नहीं सकता। तो क्यों इतना मरना है इसके लिए, उतना तो आना ही आना है, कुछ भी कर लीजिए, पिया पे छोड़ के देखिए बेटर हो जाएगा उल्टा। तो क्या कहते हैं, भूत नगरी के ये जो गोविंद भेड़े के समान है ना, इसमें बहुत ध्यान से खबरदार होकर कितना संबंध किससे रखना है, निस्बत हमारी किससे है, ये खबरदारी जरूर होनी चाहिए। मिहिर राज जी ने मंत्री के सचिव, जो वो पहले करते थे ना, वजीर के दीवान का कार्यभार संभाल लिया फिर से। क्यों क्यों संभाला, अपने लिए नहीं, पत्नी भी नहीं है अब तो पास में, बच्चे भी नहीं है, बच्चे तो है ही नहीं, पत्नी भी नहीं है अब तो, वो भी फूलबाई जी भी तन छोड़ चुकी, किसके लिए कमा रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा का जो ख्याल दिल में आ गया ना, और वो इतने अच्छे से करना है कि सुंदर साथ को खाने पीने रहने ओढ़ने में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए वापस से कार्यभार अब संभाल लेते हैं सुंदर साथ की, जिससे सुंदर साथ की सेवा भी हो सके और आसक्ति से काम नहीं कर रहे कि मुझे इतना कमा लूं मैं, इतना ये कर लूं, अनासक्त भाव से कमाना इस खबरदार होकर कमाना सुंदर साथ की। घर के कार्य कीजिए, बाहर के कार्य कीजिए, जिनसे मिलना है मिलिए, पर खबरदार रहिए कहीं मेरे पिया का ये समय चुरा तो नहीं रहे हैं, कहीं बातें कोई और तो नहीं हो रही हैं, और
सुंदर साथ जी, कहीं मेरी आसक्ति, ये तो ऊपर की बातें हैं, मेरा समय भी वेस्ट हो रहा है, ये भी अंदर मेरी आसक्ति इनसे तो नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूक्ष्म अंदर बात होती है। मेरी आसक्ति ये बढ़ते हुए धन से तो नहीं हो रही है, मेरी आसक्ति इन मित्रों से, इनसे हो तो नहीं रही, कहीं मेरा प्यार मेरे पिया से कम होकर इनसे तो नहीं होता जा रहा है, मुझे उनसे बातें करना ज्यादा अच्छा लगने तो नहीं लगा है, हालांकि धनी की बातें भी नहीं हो रही। तो ये बहुत खबरदारी रखनी है सुंदर साहब जी, एक एक क्षण पर माया में यही सिखा रहे हैं वो हमें। क्या दिल में है, तहां से कमाए के तब सेवा हुए सब साथ, करी मसलहत बिहारी जी सो। फिर भी कितना उनका सम्मान करते हैं, लई दीवानगिरी वजीरी हाथ। बिहारी जी तो यही चाहते हैं कि ये थोड़े से उधर बिजी भी हो जाएं, थोड़ा पैसे भी आ जाएंगे, ये उधर बिजी हो जाएं थोड़े, ताकि सुंदर साथ से इनका थोड़ा वो है ना, थोड़ा अलगाव हो। हर समय सुंदर साथ को चर्चा सुनाते रहते हैं, मेरे पास कौन आएगा, तहां से कमाए के, कहते जितना कमाऊंगा सेवा करूंगा उससे। और बिहारी जी से उन्होंने सलाह की पहले कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी कर लूं बिहारी जी, यदि आप कहो तो ऐसे मैं सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने बिहारी जी से विचार विमर्श किया, उसके बाद जामनगर के मंत्री का सचिव पद यानी के दीवान का पद, वजीर के दीवान का पद संभाल लिया। बात लगाई वजीर सो, जाए तिनका लिया काम, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को इस काम। तो कहते हैं मिहिरराज जी ने वजीर से दीवान का इस बारे में उनसे जाके बात की कि मैं लेना चाहता हूं, और वो वैसे इतने ऑनेस्ट थे। देखिए कितनी बार बीच में नौकरी छोड़ चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता कि उनको वापस लेने से कोई इनकार करते, कि अभी पिछली बार छोड़ के गए थे, अभी फिर ना छोड़ जाए तो हम इनको नहीं रखेंगे। जितना समय इनका मिल जाए, ऑरा कैसा होगा उनका, जिनके अंदर इंद्रावती की वो आत्म बैठी हुई है, उनकी रहनी, उनकी मिठास, उनका ऑरा कैसा, उनका वो आभा मंडल होता होगा सुंदर साथ जी की, जब बात करते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कोई इनकार ही नहीं कर पाता उनको। सोचिए कैसा आभा मंडल होगा उनके, कैसी वाइब्रेशंस हम उनको महसूस कर सकते हैं सुंदर साथ जी, उन वाइब्स को, उन प्रेम की तरंगों को हम महसूस कर सकते हैं ना सुंदर साहब जी। वो तो मेरी हैं, मेरी इंद्रावती हैं, उनके प्रेम की तरंगों को महसूस कीजिए। वो तरंगे तो वजीर को दे भी नहीं रहे अभी, वो तो मेरी तरंगे हैं, हमारी, मेरी। मैं जब भी कहती हूँ तो हर आत्मा मेरी कहे सुंदर साहब जी, मेरी तरंगे जो केवल वो मुझे दिया करते हैं। वजीर को तो अभी दी भी नहीं, फिर भी वो हाँ कर देता है, कैसे उनके उनके उस सम्मोहन में वो बंध जाते होंगे, जैसे वो बात किया करते होंगे, जैसे उनकी वाणी में मिठास हुआ करती होगी, जैसे नम्रता उनकी छलकती होगी उनके मुखार बिंद से, कि कोई मना नहीं कर पाता सुंदर साथ जी उनको। कितने प्यारे मिहिरराज ठाकुर जी, धन्य वो तन, धन्य वो जीव, धन धन वो आत्म, और धन्य हमारे राजी श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म, जबराइल असराफील जो उनके अंदर समाये हुए हैं सुंदर साहब जी। कहते हैं फिर भी अब शुरू कर ली जॉब, अब सुबह शाम मिलने कैसे आएंगे उनसे, फिर भी कोई वक्त आवे साथ में दीदार को इस काम। फिर भी प्रातः जल्दी उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं कि दरबार जाने से पहले प्रातः काल के, और आने के बाद पहले सायंकाल के दर्शन जरूर मैं उनसे करूंगा। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के करण को अंतर पड़या तब। सुंदर, अब ये लौकिक कार्य सिर के ऊपर पड़ गए, राज्य का कार्य भार संभालना कोई आसान थोड़ी होता है, पूरा हिसाब किताब। अब चर्चा सुनाने की उनकी जो सेवा है ना, उसमें कुछ कुछ अंतर पड़ने लग गया, क्योंकि सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन करने जाना भी जरूरी है। तब क्या हुआ, कसाला करके चूके ना बखत सुनन, धर्म लगे पालने, क्योंकि क्यों सुंदर साहब जी, साचा है मोमू,
एक एक शब्द इतना चुन चुन के राज जी ने लिखवाया है ना ये सुंदर साज जी, अगर इससे भी चोट ना लगे इतनी मीठी वाणी। कहते हैं फूल पाखुड़ी जितनी मैं चोट तुमको यानी देता, पर इससे अगर ये छू भी ना जाए पाखुड़ी जैसे तुमको, तो फिर तो सुंदर साज जी मुझ पे लानत है। कहते हैं इतना कसाला शरीर को कष्ट देकर भी, चर्चा सुनाने में चाहे थोड़ा अंतर पड़ गया है पर सुनने में कभी नहीं चूकते, उसमें से कुछ नहीं मिल रहा सुंदर साज जी मुझको, पर फिर भी कितना मान उनका कर रहे हैं, कितना सम्मान उनका कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए सुंदर साज जी, हमारी इंद्रावती से, मिहिर राज जी से हमें सीखना चाहिए कि हमें करना क्या है, कितना प्रेम हमें करना है। उनका अपमान वो एक मिनट में कर सकते, इतने बड़े पद पे लगे हुए हैं, इतना ज्ञान उनके अंदर है, पर नहीं, एक शब्द निकालने की तो बात क्या, सहते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर साज जी हमें पता ही नहीं है ना, उन्होंने सहा है तो उनके अंदर क्या क्या खुल रहा है, ये उसी का प्रसाद है। जो जो सुंदर साज सहेगा कोई उत्तर नहीं देगा, कटु वचनों का कोई उत्तर नहीं देगा, बस अपने अंदर ही सहन कर लेगा। आपको पता नहीं है कि उस धैर्य का प्रसाद धनी क्या देने वाले, अपने से कम तो कुछ देते ही नहीं है ना, वो मेहरों के थान ही है, उनके पास और कुछ नहीं है सुंदर साज जी, और मेहर है क्या, वो स्वयं है, अपने से कम उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो इतना मेहरबान है। तो इस धैर्य से हमें वो खुद मिल जाएंगे। सुंदर साज जी शेयरिंग हो रही है फेसबुक पे, कुछ कुछ सुंदर साज के आए थे कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं क्या किया जाए, कुछ कुछ बहुत सारे आशीर्वाद ही मिल रहे हैं पर एक दो, तो उनसे भी यही सुंदर साज जी यही कहा गया, कोई उत्तर कोई कटु वचन किसी को नहीं बोलना, बस नमन कीजिए और बस अपना ध्यान उधर से हटा के पिया चरणों में लगाना है। एक क्षण भी इस तरफ हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वो सुंदर साथ अपना पात्र निभाने आए हैं, पिया की मेहर से बड़ा बखूबी निभा रहे हैं, जस्ट इग्नोर एंड डू योर वर्क, दैट्स इट, अपनी सेवा में लगे रहिए। तब अपने शरीर को कष्ट देके भी बिहारी जी की चर्चा सुनने से नहीं चूकते, सच्चे ब्रह्म मुनि के धर्म का पालन करके सबको प्रेरणा देते हैं। तो रहनी की सुगंध कैसी होनी चाहिए ये हमें यहाँ से लेना है सुंदर साज जी, रहनी की सुगंध ऐसी कि दुनिया वाले भी बोलें कि वाह ऐसे ब्रह्म मुनि होते हैं जो ये बात करते हैं, इनकी सुने तो सही है क्या कह रहे हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट डालता है ना, ज्ञान नहीं डालता सुंदर साज जी। यदि हम खुद क्रोध करते हैं, हम खुद विकारों में फंसे हुए हैं और ज्ञान की बात करते हैं तो बोलते खुद तो करते नहीं, हमें क्या सिखा रहे हो, इससे अच्छा तो हम तुम्हें सिखा देंगे। तो रहनी को प्यारा बनाइए, व्यवहार को प्यारा बनाइए, कोई सुनने के लिए तैयार भी हो जाएगा कि हाँ ये खुद उतरे हुए हैं, आओ इनसे पूछें कि ये किसको मानते हैं या ये जो बात कह रहे हैं वो सुननी तो जरूर चाहिए। तो रहनी की सुगंधी सबसे पहले पहुंच जाती है सुंदर साज जी। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी के पास आए के सुनने चर्चा परवर दिगार। कहते हैं पिछली रात को ही उठ जाते हैं, रात के पिछले प्रहर मतलब वेरी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, पिछली रात मतलब 6 बजे तो दिन शुरू होता है, 6 बजे से पहले पिछले प्रहर को ही उठ जाते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होके दीदार को पहुंच जाते हैं क्योंकि दरबार भी जाना है, जल्दी उठ के सारा कुछ काम कर लेते हैं और उनके मुखार बिंद से धाम धनी की चर्चा, उनको धाम धनी मान के ही सुंदर साज जी उनकी चर्चा, क्योंकि आज्ञा है मेरे सतगुरु महाराज के उस पे बैठे हैं और मैंने स्वयं आगे होकर ये कार्य किया है बाल भाई जी के साथ, सम्मान करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कार भार चलावे लौकिक होए के, फिर से आया है तो सुंदर साज जी ये उनके लिए नहीं आया, वो तो हैं इंद्रावती तो खबरदारी में इतनी तेज हैं, इतनी फास्ट है कि ब्रज से खबरदार है, वो तो आज से नहीं है कोई,
सबसे पहले तन छोड़ने वाली तामसी सखियां थी और सिरदार इंद्रावती है उनमें। रास में जो खड़ी रही तामसी सखियां थी कि कुछ नहीं आ जाएंगे पिया वापिस, उनके सामने खड़े होके उथले वचन सुनने वाली हम सब जरूर थी, पर आगे जवाब देने वाली इंद्रावती थी और तामसी सखियां थी सुंदर साज जी। वो तो कब से खबरदारी है उनमें, तो अब फिर लिख रहे हैं, कार भार चलावे लौकिक होए के खबरदार। ये आज की शिक्षा है, दो बार लिख दिया राज जी ने आज, डबल कहते हैं कार्य भार चलाइए लौकिक यहाँ पे, पर खबरदार होके चलाना, कहीं उसमें वो तो नहीं हो रहे हो ना, सबमर्ज तो नहीं होते जा रहे, उसी में डूबते तो नहीं जा रहे, उन्हीं हिसाबों किताबों में आज इतना आ गया, कल इतना आया था, आज कम क्यों हो गया, कल ज्यादा, नहीं उसमें डूबना नहीं, उसको ऊपर ऊपर ही रखिए, इस शरीर तक ही रखिए, करके आ जाइए, जो तेरा पाना मीठा लगे, जो तुम कर रहे हो ना वो हमें मीठा लगता है, बस उसके बाद आते ही अपने पिया से, जैसे ही उससे प्रिय हुए, पिया की सेवा, उनसे बातों में मस्त हो जाइए। सुंदर साज जी कहते हैं क्या करते हैं, बिहारी जी महाराज के द्वारा की जाने वाली राज्जी का स्वरूप उन्होंने थोड़ा सा देवचंद्र जी से सुना हुआ था, उनकी चर्चा सुनकर राज दरबार जाते हैं, सावधानी पूर्वक राजकीय प्रबंधन, राजकीय प्रबंधन में कोई सावधानी नहीं, वो तो एक्सपर्ट है उसमें, सावधानी किस चीज में बरत रहे हैं कि मैं इसमें लिप्त ना हो जाऊं, सावधानी पूर्वक उसका चलाते हैं सारा कार्य, तो अपनी लिप्तता की चिंता हमें करनी है सुंदर साज जी, उसमें सावधानी बरत रहे हैं आज से, पिया ने ये बताया हमें, दो बार बता दिया कि ऐसे करना है जैसे मिहिर राज जी कर रहे हैं, अगर उनकी राह पर बढ़ना है दीदार की राह पे तो ऐसे काम करने हैं माया के लौकिक काम। क्या सुनाते थे, कहते हैं कुछ के मतानुसार, जैसे कि कहते कौन से स्वरूप की चर्चा सुनाते थे, तो स्वामी जी बहुत सुंदर उन्होंने बताया हुआ है, श्री बीतक साहब में तो चौपाई नहीं आई है, पर कुछ सुंदर साथ के मतानुसार किरंतन के जो प्रकरण है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल की वो चर्चा किया करते थे, और कुछ के मतानुसार सेवा पूजा में जो वर्णित है श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, इसकी चर्चा वो किया करते थे। यहाँ पर कहते हैं स्वरूप सुंदर, मैंने भी यही सुना हुआ था सुंदर साध जी आज तक की, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल की वो चर्चा किया करते थे, कहते हैं ये ध्यान देने योग्य तथ्य है, आइए ये स्वामी जी के शब्दों में पढ़ के फिर हम जयकारा लगाएंगे सुंदर साध जी, बहुत सुंदर स्वामी जी ने इनका वर्णन किया है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल किरंतन का प्रकरण है जो श्री महामती जी के द्वारा उतरा था, तो इसलिए उस समय इसकी चर्चा हो ही नहीं सकती थी क्योंकि ये वाला प्रकरण तो तब उतरा ही नहीं था। हाँ, इस प्रकरण में जो भाव निहित है उस भाव को बिहारी जी चर्चा में अवश्य वर्णित करते होंगे, बट एग्जैक्ट शब्द शायद तब ना करते हो क्योंकि तब तक तो वाणी ये वाली उतरी नहीं थी। इसी प्रकार सेवा पूजा भी नवरंग स्वामी जी, मुकुंददास जी, एहदी परमानंद जी, प्रेम सखी जी द्वारा अनेक परम हंसों के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्रातः काल के स्वरूप को शब्दशः ही सुनाते होंगे। स्वामी जी कितनी गहराई में जाकर गोताखोर, सुंदर साज जी कैसे गोते लगाते हैं वो वाणी में, कैसे आंकड़ियां उनके अंदर खुलती हैं, और जैसे जैसे हमें बताते जाते हैं फिर पता है क्या कहते हैं, वो किताब जो मैंने तब लिखी थी ना, ऐसा लगता है कि वो पूर्ण नहीं है, वो मुझे फिर से लिखनी चाहिए। एक दिन स्वामी जी कह रहे थे वो जो मैंने तब लिखी थी अब मैं पढ़ता हूँ तो लगता नहीं इसमें ये भी आ सकता है, तो कोई भी किताब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पूर्ण हो गई है, इसमें और, तो जैसे जैसे वो हमें बताते जाते हैं धामधनी उनके अंदर और आंकड़ियां खोलते जाते हैं। सुंदर साज जी संभावना यही की जा सकती है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने राज जी का जो श्रृंगार वर्णन किया करते थे वो
वो प्रातः काल के स्वरूप की तरह सुंदर साध द्वारा लिपिबद्ध कर लिया गया हो या बिहारी जी ने उसको कंठस्थ कर लिया हो। बीतक प्रकरण 11 चौपाई 19 में कहा गया है, भाव काढ़ दिखावहीं सब चर्चा को रूप, वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। यद्यपि सेवा पूजा में वर्णित प्रातः काल का स्वरूप बिहारी जी द्वारा सुनाए जाने वाले स्वरूप के बहुत निकटस्थ प्रतीत होता है, तो भाव काढ़ के दिखाते हैं सुंदर साध जी, उसके एग्जैक्ट शब्द नहीं पर उसके बिल्कुल पास सेवा पूजा का ही प्रतीत होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साध जी, साथ साथ क्षमा करते जाइए, कुछ भी ऐसा मुख से निकल जाए मुझे आशा नहीं है, अब आप सब पे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर साथ साथ माफी देते जा रहे होंगे। प्रणाम जी प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी सुंदर साध जी हमारे जोगिंदर भैया, प्रणाम जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम हो तैसी वो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीते दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो गे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी, सविध पिया जी सामरत दिन जात रोए रोए। जनमंदी जो मैं होती सो क्यों देखूंगी एक जी, जब तुम आप आओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो जी, पल पल खबर जो हुए थी अर्ज करो दुलगी। इति अर्ज में तो करूं पिया अड़ी भई अंतराए जी, आड़ी अंतराए टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाई के पिया कीजे हास विलास जी, वारने जाए शीर इंद्रावती पिया राखों चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इश्क सो से बात पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूं
सो बात जीशि महामति जुगल सर्वपरवाणि अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम तैसी की जियो मैं अर्ज करो कृपी बोलो श्री प्राण नाथ प्यारे की जय श्री सत्य प्रणाम प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सौभाग्यशाली हैं हम सब सुंदर साथ जो ऐसे प्यारे सुंदर साथ का दर्शन भी कर पा रहे हैं और उनके मुखारविंद से इतनी मीठी अर्जी इतने मीठे वाणी गायन भी सुन पा रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम भैया, आते रहा करें। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।